नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। आज दोपहर के वीडियो में लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में आपने इंट्रोडक्शन देखा और नाउन के बारे में पहला पार्ट देखा। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि नाउन का सेकंड पार्ट में मैं पूरे नाउन को कवर अप करूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। आप लोगों को याद होगा आपने ग्रुप फिफ्थ तक ये सारा देख लिया था। आज मैं ग्रुप सिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, टोटल 10 ग्रुप में नाउन को रखा जा सकता है जहां से सीखना, समझना और याद करना आसान रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं ग्रुप सिक्स में क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज पिछला वीडियो देखिए, तब जाके आपको आगे क्लियर होगा। ग्रुप सिक्स में देयर आर सम नाउन दैट एक्सप्रेस लेंथ, मेजर, मनी, वेट, नंबर और काउंटिंग। ऐसे नाउन हैं जो वेट को, लेंथ को, नाप को या नंबर को या काउंटिंग को दर्शाते हैं। दीज नाउन्स व्हेन प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल रिमेन अनचेंज्ड इन द फॉर्म। ये बोल रहा है कि जब ऐसे नाउन के आगे नंबर लगा दिया जाता है तो इसका जो फॉर्म होगा वो चेंज नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल में आगे समझाऊंगा, बस आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सच नाउन आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ऐसे नाउन इस ग्रुप के मेंबर हैं। आपकी सुविधा के लिए, आपकी समझने को सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको एक एग्जांपल सेट किया है। देखिए, सम मेंबर ऑफ द ग्रुप आर मेंशन बिलो। पहला है फुट, दूसरा 100, थर्ड 1000, 4 मिलियन, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ हेड, सेवंथ मीटर, एट पेयर, 9 डजन, 10 स्कोर। अब इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल को भी समझना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है और बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं। पहला एग्जाम्पल है द बॉय कॉट अ 6 फीट कोबरा। अब फुट का प्लूरल फॉर्म सोचा उसने, 6 फीट है तो लंबा ले लिया, मतलब 6 फीट लंबा है तो उसे प्लूरल कर दो, जो कि गलत है। सिक्स्थ फॉर्म के अंदर, सिक्स्थ ग्रुप के अंदर अगर कोई मेजर वाली चीज पे न्यूमरल आ जाता है तो फॉर्म वही रहता है। तो इसका करेक्ट होगा द बॉयज कॉट अ 6 फुट कोबरा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। इट वाज अ 5 इयर्स प्रोजेक्ट। साल है, अब उसके आगे आपने न्यूमरल लगा दिए 5, ठीक है, तो ईयर्स नहीं होगा क्योंकि 5 साल बोल रहे हो, 5 साले या 5 सालों का प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की भी बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। करेक्ट होगा इट वाज अ 5 ईयर प्रोजेक्ट। तीसरा देखिए, 600 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये गलत है, यहां पे आएगा 600 माइल्स क्योंकि मेजरमेंट वाला है ना, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये सिक्स्थ ग्रुप के अंदर है, याद रखना। अब आ रहा है आगे सेवंथ ग्रुप आपका। सेवंथ ग्रुप में कौन सा फॉर्म होएगा ये आपको अच्छे से समझाते हैं, नोट करते रहिएगा। सेवंथ ग्रुप में नाउन विथ 2 मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड ओनली 1 प्लूरल आर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ये सेवंथ ग्रुप है जिसमें नाउन होगा जिसका मतलब सिंगुलर में उसके 2 मीनिंग निकलेंगे और प्लूरल में उसका सिर्फ 1 मीनिंग निकलेगा। अब आपको ये सेंटेंस के आधार पर ये देखना पड़ेगा कि वो किस मतलब में उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आगे और क्लियर होगा जब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। पहले आप टेबल देख लीजिए। अब्यूज सिंगुलर है, इसका 2 मतलब निकलता है, रॉन्ग यूज एंड रिप्रोच। अगर उसका प्लूरल लेते हैं अब्यूजेस, इसका निकलता है रॉन्ग प्रैक्टिसेस यानी एविल्स। जब फोर्स बोलते हैं तो इसका 2 मतलब निकलते हैं, स्ट्रेंथ एंड बॉडी ऑफ आर्ममेंट। जब फोर्सेस बोलते हैं तो इसका 1 मतलब निकलता है, ट्रुप्स। ऐसे आगे कई वर्ड्स हैं, देखते रहिए। इशू मतलब रिजल्ट या ऑफस्प्रिंग। जब इशूज बोलते हैं तो उसका मतलब रिजल्ट से होता है। वुड बोलते हैं तो उसका मतलब होता है टिम्बर यानी लकड़। फॉरेस्ट जंगल। जब वुड्स बोल देते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है, फॉरेस्ट्स हो जाता है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए लाइट, लाइट का मतलब लैंप, लेंस।
और जब लाइट्स लिखते हैं तो उसका मतलब लैंप्स हो जाता है। गेन प्रॉफिट एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, और जब गेन्स बोलते हैं तो उसका मतलब प्रॉफिट्स हो जाता है। पीपल जब आप सिंगुलर में यूज करते हैं तो उसका मतलब पर्सन्स होते हैं, और नेशंस जब इसका प्लूरल लेते हैं पीपल्स तो इसका नेशन होता है। आ रहा है ना बात आपको समझ में? इतना ही नहीं दोस्तों, आगे देखते रहिए, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एग्जाम्पल, वुड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न हाउसेज। वुड को हमने इस लगाया है तो किस में इस्तेमाल किया है? हमने इस्तेमाल किया है आपके किस में? सिंगुलर फॉर्म में। हाँ जी, सिंगुलर फॉर्म में जब इस्तेमाल हुआ है तो ये टिम्बर का काम कर रहा है, बताया था। जब प्लूरल में होगा तो वो जंगल का काम करेगा, मतलब जंगल समझा जाएगा। आगे देखिए, ही लिव्स इन अ वुड फॉरेस्ट। अब अगर वुड्स को हम लिखते हैं, वुड्स आर फास्ट डिसअपीयरिंग फ्रॉम इंडिया, हम जंगलों की बात कर रहे हैं, और जब यहां पे ही लिव्स इन अ वुड बोल रहे हैं तो एक जंगल की बात हो रही है। फोर्स शुड बी मेट विद फोर्स, यानी स्ट्रेंथ। अ फोर्स ऑफ 10 पर्सन्स अटैक्ड हिम, मतलब बॉडी ऑफ आर्म मैन। द इंडियन फोर्सेस आर नोन टू देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। जब फोर्सेस के साथ प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं फोर्स के साथ, तो आप देखेंगे उसका मतलब ट्रुप्स हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा है, आज सेकेंड वीडियो में नाउन में आपको अच्छे से करा दूंगा, आप सेकेंड वीडियो तक नाउन में मास्टर बन जाएंगे, बस देखते रहिएगा। अब एट्थ ग्रुप आता है नाउन्स विद वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड टू इन द प्लूरल आर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। अ फ्यू सच नाउन विद देयर मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल आर लिस्टेड बिलो। मतलब ये बोल रहा है ग्रुप, वो वाला एट्थ ग्रुप है नाउन का, जहां पे अगर सिंगुलर यूज होता है तो उसका एक मीनिंग निकलेगा, और अगर उसे आप प्लूरल में यूज करेंगे तो उसके दो मीनिंग निकलते हैं। देखिए, आर्म इसका मतलब होता है अपर लिम, पार्ट ऑफ द बॉडी, बाजू बोलते हैं ना जिसे, आर्म्स। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक होता है वेपन्स, दूसरा होता है अपर लिम्स, दोनों बाजू ही होगी। पेन एक, यानी दर्द, पेन्स यानी ट्रबल्स, एंड केयर ऐसे देखिए, मैनर यानी मेथड सिंगुलर में, मैनर्स जब प्लूरल में यूज हो रहा है तो इसका मतलब हो जाता है मेथड्स, बिहेवियर, कस्टम यानी हैबिट, कस्टम्स यानी हैबिट्स, एंड ड्यूटीज ऑन गुड्स, कस्टम ड्यूटी लग गया बोलते हैं जैसे। आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा होगा पॉइंट? अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट में आंसर जरूर दूंगा। अब देखिए, लेटर यानी अल्फाबेट सिंगुलर में, और जब प्लूरल में यूज करते हैं लेटर्स तो इसका मतलब हो जाता है अल्फाबेट और लर्निंग। स्पेक्टेकल जब बोलते हैं तो वो साइट, दृश्य, स्पेक्टेकल्स साइट्स, एंड आई ग्लासेस। कलर मीन्स ह्यू, ट्राई कलर्स यूज एंड फ्लैग्स। मिनट अ यूनिट ऑफ टाइम, एक मिनट दो मिनट जो आप बोलते हैं, जो घंटे का छोटा हिस्सा होता है मिनट, वो होता है। और जब मिनट्स बोलते हैं वो दो चीजें दर्शाता है, यूनिट्स ऑफ टाइम और द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। जैसे बोला जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, मतलब उस मीटिंग से क्या निचोड़ निकला, जब प्लूरल में आप इस्तेमाल करते हैं। मोरल लेसन, मोरल्स मोरल लेसन, और कंडक्ट। प्रोविजन यानी कंडीशन, किसी चीज को करने की कंडीशन होती है, और जब उसे प्लूरल में यूज करते हैं तो उसका दो मतलब निकलते हैं, एक होता है कंडीशंस, दूसरा फूड। प्रोविजंस फॉर द आर्मी हैज बीन एग्जॉस्टेड, मतलब आर्मी के लिए जो प्रोविजंस था, खाना खाद्य सामग्री था, वो खत्म हो गया। प्रोविजंस को ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको एग्जाम्पल के साथ, पूरे एग्जाम्पल एक साथ पढ़िए देखिए। एग्जाम्पल,
ही कॉट द ओल्ड मैन बाय द आर्म, सिंगुलर में हो रहा है यानी अपर लिम्ब. ही वॉज स्टैंडिंग विद हिज आर्म्स फोल्डेड एंड अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स. अब देखिए सेंसिटिविटी, आर्म्स जब प्लूरल में यूज हो रहा है तो इसके दो मतलब निकलते हैं. अब सेंटेंस में देख के पता चलेगा आपको कि इसका मतलब क्या है. वो बोल रहा है, सेंटेंस को समझिए, वो अपर लिम्ब्स की बात कर रहा है, बाजुओं को, मतलब लिप्स में सिगरेट लगा के दोनों बाजुएं फोल्ड करके खड़ा है. पाकिस्तान इज बाइंग आर्म्स फ्रॉम यूएसए. अब यहां पे बाजुओं की बात नहीं हो रही है, यहां पे आर्म्स मतलब वेपन्स, प्लूरल में यूज हो रहा है ना. एवरी लेटर ऑफ अ लैंग्वेज एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर साउंड, सिंगुलर में हो रहा है तो ये अल्फाबेट हो गया. प्लीज राइट योर टेलीग्राम इन अ कैपिटल लेटर्स, प्लूरल में हुआ है लेटर्स तो अल्फाबेट मतलब है कैपिटल लेटर का. ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स यानी लर्निंग, लर्निंग में हुआ. द स्पेक्टेकल वॉज हॉरिबल यानी जो साइट थी वो बहुत डरावनी थी. तो ये साइट की बात कर रहा है, सिंगुलर में यूज कर रहा है तो साइट यूज होगा. और जब आप उसे माई स्पेक्टिकल्स हैव ब्रोकन, ये आई ग्लासेस की बात कर रहा है, प्लूरल में हो रहा है तो दो चीजों के लिए, या साइट्स के लिए होगा या आई ग्लासेस के लिए होगा. समझ में आ रहा है आपको. मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, पॉइंट्स अच्छे से लिखिएगा, प्लस डिक्शनरी भी रखिएगा साथ में ताकि आपकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तैयारी भी साथ साथ चले. आइए अब देखते हैं सेकेंड लास्ट यानी नाइन्थ ग्रुप, उसमें क्या क्या दर्शाता है. नाइन्थ ग्रुप बोलता है देयर आर सम नाउन्स दैट चेंज देयर मीनिंग व्हेन यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म. अभी आप इसमें देखेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जब आप उन्हें प्लूरल में यूज करते हैं तो उसके मतलब ही बदल जाते हैं. सच नाउन्स आर अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. और कौन कौन से नाउन है ये मैंने आपके लिए टेबल में बनाया है, लंबा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. एडवाइस सिंगुलर है, इसका मतलब काउंसलिंग करना होता है ना, जैसे काउंसिल. एडवाइसेस माने इन्फॉर्मेशन, मतलब बदल गया. एयर माने एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है. ईयर्स माने प्राउड बिहेवियर, मतलब बदल गया. ऑथोरिटी माने कमांड, और ऑथोरिटीज माने पर्सन इन पावर. गुड माने नाइस, और जब इसका प्लूरल लिखते हैं गुड्स तो वो बन जाता है प्रॉपर्टी या थिंग्स या सामान, कोई भी चीज आप कंसिडर कर सकते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है. अब आयरन, इसका मतलब सिंगुलर में मेटल होता है, जब आयरन्स बोलते हैं तो इसका मतलब फैक्टर्स या चेंज होता है. फोर्स अभी ऊपर समझाया था, सिंगुलर में स्ट्रेंथ था. फोर्सेस लिखेंगे आर्मी होगी. कंटेंट सेटिस्फेक्शन, अब जब इसे कंटेंट्स लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ थिंग्स कंटेंट, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं. जब फिजिक लिखते हैं तो इट इज रिलेटेड टू मेडिसिन. फिजिक्स लिखते हैं तो ये फिजिकल साइंस हो जाता है, जिसे आप भौतिकी भी बोलते हैं. रिस्पेक्ट यानी रिगार्ड्स, और जब रिस्पेक्ट्स बोलते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्स है. वर्क यानी जॉब, जब आप वर्क्स बोलते हैं तो फैक्ट्रीज और कंपोजिशंस में आ जाता है. अर्निंग जब बोलते हैं ना आप, मेरी अर्निंग है, तो उसका मतलब इनकम से होता है. और जब आप अर्निंग्स बोलते हैं प्लूरल में तो उसका मतलब इनकम से ना होकर सेविंग्स से होता है. सेविंग और इनकम में डिफरेंस पता होगा आपको, बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना. इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स. इन पॉइंट्स को हम और अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपको. क्वार्टर यानी वन फोर्थ, एक चौथाई जिसे बोलते हैं. क्वार्टर्स माने हाउसेस, जैसे फौजियों के क्वार्टर्स होते हैं जहां वो रहते हैं, ठीक है. वर्ड यानी प्रॉमिस, किसी से वादा करना. वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं, या इंग्लिश के वर्ड हैं, हिंदी के वर्ड हैं. अब इसके एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल देख के और ज्यादा क्लियरिटी आएगी. जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा. एग्जाम्पल देखिए, इट इज शेमफुल फॉर अ मैन टू यूज फोर्स विद अ वुमन, यानी यहाँ पे सिंगुलर में यूज हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ है. द फोर्सेज ऑन द बॉर्डर हैव बीन अलर्टेड, इसका मतलब प्लूरल में आप यूज कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बदल गया, आर्मी से मतलब है इसका, या आप ट्रूप भी बोल सकते हैं.
आई शैल रिटर्न विद इन 3 आवर्स, यानी रिटर्न का मतलब कम बैक है, और जब बोलते द रिटर्न्स फॉर पुअर, इसका मतलब अर्निंग्स से है। अर्निंग्स का मतलब क्या है? सेविंग्स। हिज अर्निंग इज सो स्मॉल दैट ही कैन नॉट ब्रिंग अप हिज फैमिली प्रॉपरली। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताएंगे कोई? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनकम, आमदनी बहुत कम है, कि वो अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से नहीं कर सकता। अगर इसी को आप अर्निंग्स लिखते तो सेविंग हो जाती। अभी मैं दिखा रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल में, आई कीप माय अर्निंग्स इन द बैंक, मतलब आप यहां पे इनकम नहीं रख रहे हैं, आप यहां पे क्या रख रहे हैं? सेविंग। सेविंग का मतलब क्या हुआ, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। आयरन इज यूजफुल फॉर मेटल, एक धातु की बात कर रहे हैं यहां पे। द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन्स, प्लूरल में आ गया, ऑफ द अंडर ट्रायल शुड बी रिमूव्ड, यानी जिस चेन से बांधा गया था अंडर ट्रायल को, अंडर ट्रायल समझते हैं ना, जिसकी कोर्ट में पेशी चल रही हो, कोई मुजरिम है उसको जो चेन से बांधा जाता है, जज ने ऑर्डर किया कि उसे खोल दिया जाए। तो यहां पे आयरन्स हो गया, इसका मतलब चेन से। आइए और आगे देखते हैं, ग्रुप 10 में कौन कौन से आते हैं। ग्रुप 10 में आते हैं आपका, देयर आर नाउन्स विथ टू प्लूरल फॉर्म्स विच डिफर इन मीनिंग, मतलब एक ही नाउन के दो प्लूरल बन जाते हैं और उनके भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। सच नाउन आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ही इज माय यंगर ब्रदर, मतलब जब आप बोलते हैं ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, तो ब्रदर का मतलब सिंगुलर नाउन है। और जब बोलते हो वी आर 4 ब्रदर्स, मतलब हम 4 भाई हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही माता पिता से 4 भाई हैं। और जब हम बोलते हैं वी आर ब्रेथरन ऑफ द सेम प्रोफेशन, ये फिर प्लूरल में गया, मतलब एक ही व्यवसाय के लोग हैं, भाई लोग हैं, हम लोग भाईचारा है। द क्लोथ फ्रॉम अहमदाबाद इज सोल्ड एवरीवेयर इन इंडिया, यहां क्लोथ का मतलब कपड़े के प्रकार से है। और जब आप बोलोगे अ मैन नीड्स मैनी क्लोथ्स, इसका मतलब गारमेंट्स से है। गारमेंट्स क्या हुआ, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, ठीक है। जब क्लोथ्स बोल देते हो तो वो गारमेंट्स में आ जाता है, और जब क्लोथ बोलते हो तो सूती कपड़ा हो गया, सिल्क का कपड़ा हो गया, इस टाइप की चीजें। समझ में आ रही है आपको? अब आगे देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू मास्टर मैथमेटिक्स विदाउट लर्निंग फॉर्मूला देन दैट गवर्न इट, फॉर्मूला मतलब द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों द रूल्स ऑफ अ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज वर ऑफर्ड, दैट इज मोड्स ऑफ एप्लीकेशन। फ्रेंड्स मेरे को लग रहा है इतना डीप जाने में ना बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, तो आज हम ग्रुप 10 तक करते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नाउन कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप तो ये कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस पूरी करिए। जहां समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगा। मैं हिंदी में इतना एक्सप्लेन करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को भी अंग्रेजी समझने में, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम ना आए। और आप देखेंगे कि अगर नाउन के 3 वीडियो बनते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3 करके, और आपको बड़ा सही तरीके से पढ़ने का मजा भी आएगा। छोटे से वीडियो बनाकर नाउन के ऊपर 2-4 बातें बोल के आप फायदा नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल डीप बना के आपको समझाया। मुझे उम्मीद है आप इसे जरूर देखेंगे और पढ़ेंगे ताकि आपका करियर ऊंचे स्तर पर जा सके। आगे 3rd वीडियो का इंतजार करिए, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।